तो दोस्तों अभी हमें जाकू टेम्पल के पास में, मैं सभी को बता दूं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड हाइएस्ट हनुमान जी का मूर्ति है दोस्तों, जो कि 108 फीट का है। देख सकते हैं वाकई में काफ़ी अद्भुत लग रहा है दोस्तों। देखिए वाकई में कितना प्यारे दृश्य है दोस्तों। देखिए और यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है दोस्तों, यहाँ का कुछ ऐसा प्यारा नज़ारा जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। हम कालीबड़ी माता का टेम्पल आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे बाहर में प्रसाद का दुकान है, प्रसाद लेकर के अंदर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। और देखिए यही वो कालीबड़ी माता रानी का टेम्पल है, उससे पहले आप जाए तो यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद लेकर के। देखिए तो हम फाइनली टेम्पल के पास में आ चुके हैं, कालीबड़ी माता रानी के टेम्पल, और विजिट करके चलेंगे जाखू टेम्पल विजिट करने के लिए, हनुमान जी को दर्शन करने के लिए। So, बने रहे आप सब। तो आप सब देख सकते हैं, तो हम अभी कालीबड़ी माता रानी के टेंपल के पास में आ चुके हैं दोस्तों, और ये है माता रानी की कालीबड़ी टेंपल। आप सब दर्शन कीजिए और मैं सभी को दिखा दूं। माता रानी के टेंपल से आप काफ़ी खूबसूरत नज़ारा शिमला को देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ से आप एक पूरी छोर शिमला को देख सकते हैं, पूरी छोर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी में काफ़ी अच्छा जगह है और देखिए काफ़ी ख़तरनाक नज़ारे यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ में। देख सकते हैं तो अभी हम कालीबड़ी माता रानी के टेंपल के पास में, और यहाँ से आप हिमाचल शिमला का एक पूरी छोर देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से कितना खतरनाक व्यू, कितना प्यारी व्यू आ रही है दोस्तों। देखिए और आप सब देख पा रहे होंगे, देखिए झागोर टेंपल, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, अभी वहीं पर जाएंगे दोस्तों। और उससे पहले यहाँ का व्यूज़ देखिए, दर्शन हो गई, दर्शन कर लिए आप सभी। देखिए वहाँ पर काफ़ी खतरनाक व्यू आ रही है दोस्तों, तो चलिए आप सब बने रहे हमारे साथ में। हम लोग शिमला मालोट की विजिट कर रहे हैं और ये हमारे कुछ साथीगण, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है। आपने सुना था कि मनाली में मिली कोई थाईलैंड की लड़की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मिल गई है, अच्छा आपने इग्नोर कर दिया उसे, हरामी हो बेटा। वाह वाह बहुत अच्छा। बाकी ये जगह आप सभी को कैसा, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम तो राजस्थान से हैं तो हमें धूप की आदत है। अच्छा अच्छा, आज यहाँ आए तो एकदम से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आपको कैसा लग रहा है ग्रुप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। मतलब अभी कितना रात यहाँ बिताना चाहेंगे? दो तीन दिन और। वाह वाह, तो चलिए दोस्तों आप सब बने रहे हमारे साथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं जाखू टेम्पल, मतलब हनुमान जी का जो मूर्ति है 105 फीट या 108 फीट की ऊँची मूर्ति है, अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ विजिट करने के लिए। सो चैनल पे आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं दोस्तों, और अगर हमारा ये हिमाचल प्रदेश का ब्लॉग अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं इस चर्च के पास में। ये देखिए दोस्तों, इस चर्च का आप सबने काफ़ी फिल्म में देखे होंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शूटिंग हुई है और ये चर्च काफ़ी फेमस है यहाँ का, देख सकते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे चेयर भी लगाए हैं, बैठ करके दो पल यहाँ पे आसानी से सुकून के साथ में बिता सकते हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है, पूरी तरीके से यहाँ माहौल सेट है दोस्तों। आप आइए यहाँ पे, जरूर आइए, ज़्यादा दूर नहीं है, ओल्ड बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है दोस्तों। और ये रास्ता सीधे चला गया है माल रोड और कालीबड़ी टेम्पल, आप लोग आइए जरूर विजिट कीजिए। और उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी फोटोशूट चल रहा है, तो चलिए आप सभी से मिलते हैं। सब देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी हम हैं माल रोड के पास में। ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं जाखू टेम्पल, हनुमान जी का मंदिर को विजिट करने के लिए। उससे पहले हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और भैया बताएंगे कैसा लग रहा है, भैया बताइए कैसा लग रहा है? बस अच्छा। ये देखिए दोस्तों पराठा है, और ये हमें 30 रुपये प्लेट मिला है पर प्लेट के हिसाब से यहाँ पे। और ये देखिए भैया भी खा रहे हैं यहाँ पे, तो चलेंगे दोस्तों खाना खाने के बाद में ऊपर में, तो बने रहे आप सब।
चर्च के जस्ट बगल से जाखो टेम्पल का रास्ता है दोस्तों, हम पैदल ही विजिट करेंगे, नो ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जो पैदल चलने का मजा है दोस्तों वो आपको गाड़ी से चलने का मजा नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाखू मंदिर, ये हनुमान जी का मूर्ति जो कि काफी लंबा है दोस्तों। हाँ पहली बार जा रहे हैं, अब आ गए क्या ऊपर से? नहीं, वही पूछता है रास्ता कितना है। रास्ता है यहाँ से करीब जाने में आपको यहाँ से 1 घंटा लग जाएगा आंटी, 1 घंटा। हाँ लेकिन मतलब ज्यादा मतलब इसे ही रास्ता चिकन बना हुआ तो आराम से चल जाएंगे आप। ऐसे ही चढ़ाई चढ़ के जाना। अच्छा सा व्यू मिलेगा आपको ऊपर से देखने के लिए, तो आप बस से भी जा सकते हैं। बस वाला कितना लेगा? बस वाले यहाँ से 25 रुपए लेते हैं। 25 रुपए लेते हैं। आप पूछ करके नीचे में चल जाओ कितने बस में रहते, तो देख सकते हैं। हाँ हाँ हम समझ सकते हैं। ओके ओके, वेलकम वेलकम। तो अभी चलेंगे और आप सभी को पूरा एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ में साहब। अभी हम लोग जा रहे हैं जाखो मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। भाई वो जो बोलते हैं ना, वो जो सॉन्ग है ना कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, उसी टाइप यहाँ बोल सकते हैं दोस्तों। पल भर में एकदम मौसम चेंज हो जा रहा है, देख सकते हैं। अभी धूप किया हुआ था और देखिए अभी पूरा बादल से घिर गया है शिमला, बाकी में काफी खतरनाक नजारे हैं। और ये देखिए जाखू मंदिर काफी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, बाकी में जाने में हमारा सांस फूल रहा है। जो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई शिमला, सबसे ऊपर ये जाखू मंदिर बसा हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं, सो आप सब बने रहे हमारे साथ में। तो यही वो रास्ता है दोस्तों जाने के लिए ऊपर में हनुमान जी के मंदिर के पास में। सो चलिए हम लोग भी जा रहे हैं, बने रहिए आप सब। तो फाइनली दोस्तों करीब 1.25 घंटे के सफ़र के बाद में चर्च से, और अभी हम आ चुके हैं श्री हनुमान जी जाखू टेम्पल के गेट पे, देख सकते हैं। बस यहाँ से 200 मीटर और है, तो चलिए उससे पहले मैं आप सभी को दिखा, छोटे मार्केट लगे हुए हैं यहाँ पे, आएँ तो आप कुछ खा भी सकते हैं और यहाँ तो प्रसाद भी ले सकते हैं। और यही वो रास्ता है जिसे चलेंगे ऊपर, तो चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री हनुमान मंदिर जाखू शिमला, और चलिए आप सब आप जब भी आएँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि बंदरों से सुरक्षित रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। अपने चश्मे उतार दें, खाने पीने का चीज़ों को छुपा लें। यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से आप अपना मोबाइल को सेफ रखें, जो भी खाने पीने का चीज़ है वो सभी को आप बैग में डाल सकते हैं, नहीं तो बंदर छीन के लेकर भाग जाएंगे। तो चलिए आप सभी ऊपर में मिलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चलान चलने के बाद में दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं जाखू टेम्पल, देख सकते हैं हनुमान जी का वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड टेम्पल है दोस्तों, जो कि 108 फीट ऊंचा है। देखिए वाकई में कितना प्यारे दृश्य है दोस्तों, देखिए। और यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है दोस्तों, यहाँ का कुछ ऐसा प्यारा नज़ारा जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं। सभी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आने के लिए आप चाहे तो गाड़ी के जरिए भी आ सकते हैं, बस भी आती है यहाँ पे। आपको शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से 25 रुपये लेंगे बस, आपको यहाँ पे नीचे पार्किंग में छोड़ देंगे दोस्तों। नहीं तो आप पर्सनल कैब बुक करके भी आ सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं। पैदल आने के भी रास्ता है, वो जो क्रिस चर्च है, क्रिस चर्च के जस्ट बगल से वो रास्ता है, वहाँ से आने में करीब आपको 1/2 घंटा का समय लगेगा दोस्तों। तो फाइनली अभी हम एक खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए, हनुमान जी का दर्शन करने के लिए तो हम आ चुके हैं। तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमें जाखू टेम्पल के पास में, मैं सभी को बता दूं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सेकेंड हाईएस्ट हनुमान जी का मूर्ति है दोस्तों, जो कि 108 फीट का है, देख सकते हैं। वाकई में काफ़ी अद्भुत लग रहा है दोस्तों। इससे पहले मैं एक झारखंड में विजिट किया था जो कि 105 फीट का था दोस्तों, और ये मूर्ति जो हनुमान जी का वो 108 फीट का है। सो काफ़ी प्यारे दृश्य है यहाँ पे, देख सकते हैं सभी बैठ करके इसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी हमने भी दर्शन कर लिया हनुमान जी का, वाकई में काफ़ी अद्भुत रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तब तक ये कुछ यहाँ का ऊपर का है दोस्तों, देख सकते हैं।
आप लोग आए तो जरूर जाखू टेम्पल आए, जरूर विजिट करें दोस्तों, हनुमान जी का दर्शन करें। और यहाँ से काफी दर्शन कीजिए हनुमान जी का। देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छा पार्क भी बनाया हुआ है जाखू टेम्पल हनुमान जी के मूर्ति के पास में। ये देखिए काफी अच्छा, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा पार्क बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग आए तो ज़रूर विज़िट करें। और चलिए ये कुछ यहाँ का हमारा ब्लॉग था वीडियो। तो चलिए दोस्तों आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए कुछ मिलते हैं न्यू और यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। ये हनुमान जी का मूर्ति को ऑलमोस्ट आप शिमला से कहीं से भी देख सकते हैं। आप शिमला कहीं पर भी हैं लेकिन ये मूर्ति आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर शिमला आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जरूर विजिट करने के लिए आए यहाँ पे। वाकई में देखिए काफ़ी शानदार है दोस्तों। तो चलिए जय श्री राम, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।